तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो है स्मार्ट गागा का एक बेस्ट वर्जन देने वाला हूं, जिसमें आप फ्री फायर का न्यू अपडेट OB43 को इजीली प्ले कर पाओगे। इस एमुलेटर में आपको जो एंड्रॉइड वर्जन 4 देखने को मिल जाएगा, जो कि किसी भी लो एंड पीसी में इजीली चल जाएगा। एंड साथ ही आपको जो इसमें फ्री फायर गेम प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, तो आप जो इजिली इस एमुलेटर में फ्री फायर गेम को अपने लो एंड पीसी में प्ले कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कैसे स्मार्ट गागा एमुलेटर को अपने लो एंड पीसी में इंस्टॉल करके इसमें जो फ्री फायर गेम को विदाउट एनी लैग जो प्ले कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस एमुलेटर का लिंक दे दूंगा, आप जो सिंपली वहां से जाकर के इस एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो एक जिप फाइल होगी, तो आपको जो पहले से अनजिप कर लेना है, तो आपको जो यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ये स्मार्ट गागा 1.1 नाम से एक फोल्डर आ जाएगा, तो आपको सिंपली इस फोल्डर को ओपन करना है। एंड यहाँ पर आपको ये इंजन वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले फोल्डर में जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना है, तो यहाँ पर आपको जो ये इसका एक लॉन्चर मिलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जो ये डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि अभी आपको यहाँ पर स्मार्ट गागा एमुलेटर को ओपन नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर ये जो स्मार्ट गागा का शॉर्टकट, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज पर चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको जो है कंपेटेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम पर टिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको विंडोज 7 को सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल फुल स्क्रीन को टिक कर लेना है। एंड यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर टिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज हाई डीपीआई सेटिंग पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको जो इसे सिस्टम इनहांस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अप्लाई और ओके पर क्लिक कर देना है। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर स्मार्ट गागा एमुलेटर को लॉन्च कर लेना है। तो चलिए फिर हम जो यहाँ पर स्मार्ट गागा एमुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर स्मार्ट गागा एमुलेटर ओपन हो जाएगा, तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पर इसका एंड्रॉइड वर्जन बता दूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पर आप इसके अबाउट फोन में जाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 4.4.2 देखने को मिल जाता है, जो कि लो एंड पीसी के लिए एकदम बेस्ट है। एंड इसमें आप देखोगे इसमें आपको जो है ये फ्री फायर का न्यू अपडेट OB43 जो प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर अभी गेम को ओपन नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है कि अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक से बना हुआ है, तो आप जो इसमें फेसबुक एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर मैंने जो फेसबुक एपीके फाइल को डाउनलोड कर रखा है, तो आप जो यहाँ पर फेसबुक एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद अब आप जो सिंपली यहाँ पर स्मार्ट गागा एमुलेटर में फेसबुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। तो आप जो सिंपली यहाँ पर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो यहाँ पर जो है स्मार्ट गागा एमुलेटर में एपीके फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगा। एंड फेसबुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आप जो यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। एंड ओपन कर लेने के बाद अब आप जो यहाँ पर पहले जो अपनी फेसबुक आईडी को यहाँ से लॉगिन कर लेना। एंड लॉगिन कर लेने के बाद अब आप जो यहाँ पर फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना, तो यहाँ पर जो फेसबुक से आपका गेम जो लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए फिर अब हम जो यहाँ पर फ्री फायर गेम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है कोई भी डाउनलोड फेल्ड एरर वगैरह नहीं आया है, यहाँ पर जो है इजीली गेम ओपन हो चुका है। इस एमुलेटर में आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड फेल्ड एरर नहीं आएगा, यहाँ पर जो है इजीली गेम ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर जब तक यहाँ पर गेम ओपन हो रहा है, तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर इसकी की मैपिंग भी कर लेनी है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर पहले सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पर कंट्रोल में जाना है। एंड यहाँ से आपको इसकी कस्टम एचयूडी को ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है की मैपिंग ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो पहले से इसमें परफेक्ट की मैपिंग मिल जाती है, आप जो यहाँ पर जैसे मर्जी अपने हिसाब से की मैपिंग रखना चाहते हो, आप जो यहाँ पर रख लीजिएगा। एंड यहाँ पर माउस को लॉक अनलॉक करने के लिए आप जो यहाँ पर कंट्रोल बटन का यूज कर सकते हो। एंड की मैपिंग सेट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है की मैपिंग सेव हो जाएंगी। एंड उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है। एंड अगर आपके पीसी में 2GB रैम है, आपके पास लो एंड पीसी है, तो आपको इसे स्मूथ और नॉर्मल पर प्ले करना है। इससे क्या होगा कि गेम जो लैग नहीं करेगा और आपके पीसी में जो इजिली चल जाएगा। तो अब आप जो यहाँ पर इजिली गेम को प्ले कर सकते हो, यहाँ पर जो है कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। तो अब बात करें कि आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो आपको जो यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएंगी।
जाएगी। एंड अब आपको यहाँ पर एडवांस में आना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो अपने पीसी के हिसाब से कोई भी एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो आप यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको ये वाला रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है लो एंड पीसी के लिए एकदम बेस्ट है। उसके बाद सीपीयू कोर में अगर आपके पीसी में 2 कोर है तो आप यहाँ पर 1 कोर सेलेक्ट कर लेना एंड 4 कोर है तो आप यहाँ पर 2 कोर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रैम में आपको सिंपली यहाँ पर 2 GB रैम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेंडरिंग मोड में आपको सिंपली से डायरेक्ट एक्स पर सेलेक्ट कर लेना है। नाउ उसके बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एमुलेटर को रिस्टार्ट कर लेना है ताकि यहाँ पर जो है सारी सेटिंग अप्लाई हो जाए। एंड एमुलेटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद अब आप जो इसमें इजिली गेम को प्ले कर सकते हो। एंड अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।